त्यौहार शिव जयंती, शिवरात्रि का त्यौहार। हमारे बहुत से कुछ यंगस्टर्स पढ़े लिखे कहते हैं, दीदी हमारे जीवन से इसका मतलब क्या है? ठीक है, ये धार्मिक त्यौहार है, एक दिन के लिए मंदिर में हम जाएंगे, घंटा घड़ियाल बजाएंगे, अक्क धतूरा चढ़ाएंगे। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, क्या मेरे वर्तमान जीवन से, सामाजिक जीवन से, पारिवारिक जीवन से इस त्यौहार का कोई संबंध है या नहीं है? बताइए भाई लोग, बताए नहीं है या है? है व्यक्तिगत जीवन से, जो है समझते हैं हाथ उठाइए। अच्छा, नीचे का जो नहीं कह रहे मेरे जीवन से कोई इसका मतलब ही नहीं, संबंध नहीं, वो हाथ उठाओ। नहीं, इसका मतलब इस त्यौहार का हमारे जीवन से संबंध है। थोड़ा सा गहराई से देखिएगा, ये बहनों ने, मेरे पूर्व बहनों ने कहा सबसे बड़ा त्यौहार, क्योंकि किसी मनुष्य, जिस शिवलिंग, शिव निराकार परमात्मा की हम शिवरात्रि मना रहे हैं, शारीरिक आकार नहीं है, वो ज्योति प्रतीक, ज्योतिर्बिंदु विश्वनाथ, हिंदुओं ने उनको ज्योतिर्लिंग कहा, क्रिश्चियन ने उनको लाइट कहा, इस्लाम ने उनको नूर कहा, बौद्ध धर्म वालों ने परम ज्योति कहा, सिख धर्म वालों ने एक ओंकार कहा। नूर है, ज्योति है, लाइट है। पहले बात, 75% लड़ाई झगड़े का कारण धर्म। कौन से धर्म में कहा गया है आपस में लड़ना झगड़ना, वैर विरोध मारकाट है किसी धर्म में? किसी भी धर्म वालों से जाकर के पूछो तो क्या कहते हैं? हमारे यहाँ तो कहा जाता है, एक गाल पे चाटा कोई मारता है, उसके आगे दूसरा गाल। तो जब धर्म से विपरीत होकर के कर्म करने लगते हैं तो ये वर्तमान की स्थिति आज की। और दूसरा, डिफेंस में हम क्यों जा रहे हैं? हमें किसी दूसरे देश से डर लग रहा है, दूसरे धर्म से हमें डर लग रहा है, कहीं मार ना जाए। इतने मुझे अचानक डिफेंस एक्सपो में भी जाने का मौका मिला हुआ था, देखा हमने इतने अच्छे अच्छे वेपन्स, इतने अच्छे अच्छे जो वर्तमान समय की जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें वहाँ पे दर्शाई गई थी। तो हम लोग एक्सटर्नल सिक्योरिटी के बारे में पैसा लगा रहे कर रहे हैं, क्या इसके बावजूद हम सिक्योर्ड हैं? हाँ या ना? नहीं, 50% पे हमारा पैसा जा रहा है, उसके बावजूद भी हम सिक्योर नहीं है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे चूक हो रही है। इसका जो उत्तर है, इसका जो जवाब एक्सटर्नल दुनिया में नहीं है, वो कहाँ है? आध्यात्मिकता। विषय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वो उपाय, वो हल, वो रास्ता यहाँ बताया जाता है। तवा सितारा चैतन्य ज्योतिर्बिंदु आत्मा, उस आत्मा की जब पहचान हम कर लेते हैं, चमकता हुआ सितारा देखते हैं, दूसरों को भी जब उसी सितारे के रूप में देखेंगे तो हिंदू मुसलमान ईसाई का जो भेदभाव था वो मिट गया। तो मिट जाने से क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति आत्म भाव जागृत हो गया, तेरे मेरे का भाव समाप्त हो गया। तो ऐसे भी देखिएगा, आप जो भी माउंट आबू गए हैं, 140 देशों के भाई बहने वहां आते हैं, एक टेबल पे बैठे, जब तक वो मुंह ना खोले तब तक नहीं पता पड़ेगा आपको, ईरान से आए, इराक से आए, पाकिस्तान से आए हैं, लंदन से, अमेरिका से आए, एक टेबल पे यहाँ कहाँ नहीं जा रहा, प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा, अनुभव किया जा रहा है। हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई है।
जब ये सत्यता को जान जाते हैं तो हमारा भय समाप्त, उस परमात्मा को लेकर के जो हम लड़ झगड़े, कम से कम इस संसार से जुड़े हुए भाई बहनों के मन से वो वैर विरोध की भावना समाप्त हो गई। दूसरी बात, सुरक्षा की जो बात आई, सुरक्षा किसकी, किसकी सुरक्षा की आज आवश्यकता है? क्या हम चार बॉडीगार्ड ही हमारी सुरक्षा करेंगे? और सबसे ज्यादा सुरक्षा किसको प्रदान की जाती है इस भारत देश में? किसको सबसे ज्यादा? प्रधानमंत्री जी को। इंदिरा गांधी जी को किसने मारा था? किसने मारा था? सबसे ज्यादा सुरक्षा के ग्यारह रक्षक ही क्या बन गए थे? भक्षक बन गए थे। तो कहने का भाव, सुरक्षा सिर्फ बाह्य नहीं है। तो ये त्योहार हमको क्या सिखाता? हर मानव मन के अंदर व्याप्त पांच विकारों से अपनी सुरक्षा करने की जरूरत है। और इस जब अपने विकारों से हम सुरक्षित रहेंगे तो निर्भय, भगवान को निर्वैर कहा गया। तो वैर की भावना होगी तो भय होगा, निर्वैर ही निर्भय बन सकता है। तो वैर विरोध की भावना जहां समाप्त हो जाएगी तो भय किस बात का? तो ये पर्व त्योहार हमको संदेश क्या देता है? उस सत्यता को जानो, अपने सत्य स्वरूप को जानो, दूसरा परमात्मा के सत्य स्वरूपो परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु विश्व कल्याणकारी, तीसरा जो अंधकार हम सब के अंदर व्याप्त है उस समय को लेकर के। ये जो समय चल रहा है ये परिवर्तन की वेला है, ये जागृत होने की वेला। आंखों से तो हम जाग चुके हैं लेकिन एक और गहरी नींद में हम सब सोए पड़े हैं, वो है अज्ञानता की नींद, जिससे हमें जागने की आज आवश्यकता है।